हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज। अब आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली के अंडर आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और एग्री अलाइड कॉलेजेस के बारे में। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली के एस्टेब्लिशमेंट 18 मई 1972 में की गई। डॉक्टर बी एस के वी दापोली यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दापोली के हसीन वादियों में बसा हुआ है, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस यूनिवर्सिटी का जुरिस्ट्रेशन एरिया है महाराष्ट्र स्टेट का कोकण रीजन, जिसमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग यह डिस्ट्रिक्ट आते हैं। डॉक्टर बी एस के वी दापोली के अंडर टोटल 8 फैकल्टीज में एग्रीकल्चर एजुकेशन अवेलेबल है। इन फैकल्टीज में अलग अलग कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। इन फैकल्टीज में है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इन सभी एग्रीकल्चर और एग्री अलाइड फैकल्टीज में डिग्री, मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन अब हम इस वीडियो में देखेंगे। डॉक्टर बी एस के वी दापोली के अंडर टोटल 7 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और एग्री अलाइड कॉलेजेस हैं, जिनमें एक एग्रीकल्चर कॉलेज, 2 हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस, 1 एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, 1 फॉरेस्ट्री कॉलेज, 1 फिशरीज कॉलेज और 1 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है। इन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन अब हम देखेंगे। फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दापोली। यह कॉलेज यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में लोकेटेड है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दापोली के अंडर बी एस सी एग्री, एम एस सी एग्री, एम एस सी हॉर्टी और पी एच डी डिग्री कोर्सेस अवेलेबल हैं। इस कॉलेज की बी एस सी एग्री की टोटल इनटेक कैपेसिटी 128 है। दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दापोली। ये कॉलेज भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में लोकेटेड है। इस कॉलेज में बी टेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एम टेक और पी एच डी यह कोर्सेस अवेलेबल हैं। इस कॉलेज की बीटेक की इनटेक कैपेसिटी 64 है। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर दापोली। यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बसे हुए इस कॉलेज में बीएससी हॉर्टी कोर्स अवेलेबल है, जिसकी इनटेक कैपेसिटी 32 है। इसी यूनिवर्सिटी का दूसरा गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर कॉलेज है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मुदे, जो की तहसील कुडा, डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग में लोकेटेड है। इस कॉलेज का कैंपस भी काफी नेचर फ्रेंडली है। इस कॉलेज की बीएससी हॉर्टी की इनटेक कैपेसिटी 60 है। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री दापोली। महाराष्ट्र स्टेट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के अंडर टोटल 2 ही फॉरेस्ट्री कॉलेजेस हैं, उनमें से ये एक कॉलेज है। इस कॉलेज में बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फॉरेस्ट्री डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है। बीएससी फॉरेस्ट्री की टोटल इनटेक कैपेसिटी 32 है। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ फिशरीज शिरगांव, जो कि रत्नागिरी इस डिस्ट्रिक्ट प्लेस से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यह महाराष्ट्र स्टेट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर आने वाला एक लोका फिशरीज कॉलेज है। कॉलेज ऑफ फिशरीज शिरगांव में बीएफएफसी और एमएफएफसी यह फिशरीज से रिलेटेड डिग्री कोर्सेस अवेलेबल हैं। इस कॉलेज की बीएफएफसी की इनटेक कैपेसिटी 40 है। डॉक्टर बी एस के वी दापोली के अंडर आने वाला आखिरी गवर्नमेंट कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की लरोहा, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, जहां पे एमएससी इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यह मास्टर्स डिग्री कोर्स अवेलेबल है। इस तरह आज हमने डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली के अंडर आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और एग्री अलाइड कॉलेजेस की इन डिटेल इंफॉर्मेशन जान ली है। इसी तरह महाराष्ट्र स्टेट के सभी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, एग्री अलाइड कॉलेजेस और प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में जानकारी के वीडियो की लिंक आपके लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन देन लाइक एंड शेयर द वीडियो। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।